हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। मैं आज अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ यहाँ शाम से, यहाँ पे रात ही हो चुकी है और मैं अभी जस्ट अपनी जॉब फिनिश करके आई हूँ। मैं और मेरी बहन और अभी कोई भी घर में नहीं है, मम्मी पापा भाई सब उन सब ने जॉब से आना है और हम दोनों बना रहे हैं घर में खाना। गाइज, आज मैंने मॉर्निंग से स्टार्टिंग नहीं की क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि रोज बोरिंग का इसका, सुबह उठो, नाश्ता करो, जॉब पे जाओ, और जॉब का पार्ट मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ अभी। मैंने सोचा आज मैं सीधा घर जाके सीधा व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करती हूँ, और क्योंकि मेरे को अभी टाइम मिल रहा है तो आज हम थोड़ा दोनों बैठ के आराम से सब्जी सुब्जी काट के बैठे हैं। और आज हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मेरे भाई के साथ। चौरंगी देवता और नरसिंह देवता ने उसको बचा लिया है, उसका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होने से बचा है। हो ही गया था बट वो थोड़ा सेफ हो गया। जो कार के एयरबैग्स होते हैं वो खुल चुके थे और बीच मोटरवे में उसकी गाड़ी ठुकी और वो पूरी एकदम वैसी पिचक चुकी है कि वो ठीक भी नहीं हो सकती, सीधा डंप जाएगी वो, और वो बच गया बस। आज किसी भी, पता नहीं, हमारे भगवान ने बचा लिया उसको। और वो मेरे पास आ रहा था क्योंकि उसको वो स्टोर की चाबी मेरे पास थी तो वो मेरे से लेने के लिए आ रहा था। और पता नहीं अचानक से ये सब कुछ हो गया और फिर उसके बाद उसका वो मेरे पास आया, उसका मुंह भी लटका हुआ था क्योंकि हमारे पास घर में सिर्फ एक ही गाड़ी थी और वो भी चली गई अब। और आज मम्मी लोग सब वो लोग बहुत लेट आएंगे क्योंकि जो गाड़ी ट्रेन होती है, आज तो सैटरडे है ना, ट्रेन चलो थैंक गॉड ट्रेन चल रही है, तो आज फिर भी उनको लेट हो ही जाएगा, 10-10:30 बजे तक वो लोग आएंगे। आज का दिन बहुत ही गंदा था, जब मैंने ये सब सुना तो बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा तो। गाइज, अब हम दोनों बना रहे हैं उनके लिए खाना और फिर हम दोनों खुद भी खाएंगे क्योंकि हम दोनों को भी थक लगी है, हम दोनों भी जॉब करके आ रहे हैं अभी। गाइज, पहले मैं कर लेती हूँ दिया बत्ती क्योंकि घर में तो कोई है नहीं तो मेरे को ही करनी पड़ेगी। गाइस, मैं आप लोगों को अपने घर के बाहर का नाइट का व्यू दिखाती हूँ। गाइस, यहाँ पे हम लगाते हैं दिया बत्ती। मैं चलती हूँ नीचे। मेरी बहन अपने काम से लेके आई थी मेरे लिए रोल बना के, इसने ब्रेक टाइम पे खाया था बट इसका थोड़ा सा बच गया था तो ये मेरे लिए लेके आई कि तू खा ले। मेरी बहन सुबह के बर्तन मेरे लिए छोड़ के गई थी कि मेरी बहन आएगी फिर वो धोएगी। ये सब्जी को फेंक दू, ये पैंतीस कढ़ाई में से ये निकाल यहीं पर, तो फेंक ही देते हैं, कौन ही खाएगा। मेरे भाई ने पापा की बहुत डांट खाई है, देखते हैं आज उसका मूड कैसा होगा जब वो घर आओ। गाइस, अभी मैं गूंद रही हूँ आटा। मैं आप लोगों के साथ अपने मन की एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं भी सबके साथ होता होगा ये चीज, एक बार आप लोग भी अज्यूम करना। मैं पहले जब सीरियल देखते थे ना तो मैं सोचती थी कि यार ये इनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा क्यों होता रहता है, कुछ ना कुछ को होता ही रहता है लाइफ में ना। एक दो पल के लिए खुशी आएगी तो फिर उसके लिए 2 मिनट के बाद फिर से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो सेम पहले मैं सोचती थी कि लाइक वो लोग अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए सब करते हैं, बट नहीं, अगर हम उसको अपनी रियल लाइफ में भी देखें ना, सेम चीज होती है। अगर हम 2 पल के लिए किसी दिन 2 दिन खुश हैं तो तीसरे दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में। मैं अपने आपको थोड़ा अज्यूम करती हूँ कि हाँ कुछ ना। मेरी बहन बहुत गुस्से के मूड में है क्योंकि मैं अभी तक बैठ के फोन चला रही थी, वो बोलती है कुछ काम धाम कर, तो मैं सुनो थोड़ा काम कराती हूँ। इसने बनाई सब्जी जो कि बहुत अच्छी दिख रही है, अभी यहाँ पे बन रही है पीली दाल। गाइज, मैंने यहाँ पे सारे बर्तन धो के रख दिए हैं और यहाँ पे काटा है मैंने सैलेड और मेरी बहन ने बना दी है सब्जी रोटी, सॉरी सब्जी और दाल, अन्ना बना रही है रोटी। यहाँ पे मेरी बहन ने बनाए थे नूडल्स को, मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसे हो रहा है। अच्छा,
मैं बोल रही मेरे बैंडेज लगाओ बैंडेज लगाओ, मैं मैनेजर बोल रहा कि पहले खून तो दिखा, खून का निकला, मैं कह रही खून भी नहीं लगा, मेरे बैंडेज लगा, मेरा हाथ का लिया। क्यों ला ला खा ले खा ले। गाइस ये ना आइसक्रीम खा रही थी, अरे वापस मैं गई क्योंकि पापा इसको डांटते हैं कि आइसक्रीम नहीं खाने। भाई गाइस मेरा भाई आ चुका है, आइए जरा ऊपर। ये उसका इंतजार कर दिया ऊपर आके। मम्मी और आए उबर करके आज घर, साथ में लेके आए वो लॉन्ड्री से कपड़े, क्योंकि अब हम लोग लॉन्ड्री में देते हैं। दूर 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 दूर। क्या गुलगुलाए तूने आज भाई? मेरा एक्सीडेंट हो गया था गाइस, इतना क्या चौंक। और मैं जान बचा के आया हूँ, अपनी गाड़ी को मैंने कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं खुद को बचा लिया मैंने। मम्मा मैंने रोटी सब्जी दाल चावल बनाया। थैंक यू बेटा, बस थैंक यू। तुम किसने लाया आज? तुमने तो कल तो तुम चला रहे थे कि क्यों ले गई? ठीक है मैंने तुम्हारे कपड़े भी धोले हैं। अब कल से कैसे जाओगे? कल तो मेरे रेलगाड़ी। क्यों? कोई बात नहीं चले जाना, हम बाहर उनको खाना बना देते हैं आराम से। मम्मी को ही होती है प्रॉब्लम गाड़ी ना होने के बाद भी। रुक जा मम्मी, सिर्फ सैटरडे संडे दिक्कत है, आज ट्रेन चल रही थी, कल भी चलेंगी, ठीक है? कभी कभी नहीं चलती है। पर यहाँ से दूर तक पैदल जाना है? आराम से इंश्योरेंस करा देना भाई अपनी गाड़ी का प्लीज, अब जब नेक्स्ट टाइम लेगा। ये मैंने वो कप वाले नूडल्स बनाए थे बट वो मुझे ठीक नहीं लगे तो मैंने फेंक दिए। यहाँ पे मेरा भाई पैर धो रहा है। गाइस यहाँ पे मेरा भाई बैठा है अभी, ये दोनों के दोनों कहानी सुन रहे हैं अभी किसके साथ क्या क्या हुआ। सो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लाइक जो मेरे मम्मी है पापा के साथ, हम लोगों ने एक नया एक टेक ओवर किया है। तो मेरी मम्मी वहाँ पे पापा के साथ हेल्प कराने जाती है, एंड पापा राहुल भाई भी वहीं पे अब जॉब करता है, एंड मैं और मेरी बहन ही अलग जगह पे जॉब करते हैं, एंड तीनों के तीनों पापा मम्मी भाई तीनों के तीनों वहीं पे जाते हैं, तीनों वहीं पे जॉब करते हैं हम। और जिस दिन मेरा डे ऑफ होता है और मैं भी उसी वहाँ जाती हूँ फिर पापा की हेल्प कराने के लिए, और मम्मी उस दिन घर में रेस्ट करती है एंड राहुल भाई रेस्ट करते हैं। सो इस वीक देखते हैं क्या होता है, गाड़ी तो है नहीं है अभी, देखते हैं अभी कितनी जल्दी लेंगे गाड़ी ना हम। सो गाइस मैं आप लोगों के साथ यही बात कर रही थी कि दो दिन की खुशियां आती है फिर हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बट कोई बात नहीं है, गाड़ी तो कोई नहीं, काम चलाना पड़ेगा, अब हम लोगों को ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। हम तो ट्रेन से जाते हैं बट मम्मी लोगों को, मम्मी पापा को, पापा भी ट्रेन से ही जाते थे, बस आते ये था कि हाँ भाई की गाड़ी है तो आते टाइम वो तीनों के तीनों एक साथ ही आ जाते थे, बट अब उन लोगों को ट्रेन से आना पड़ेगा, वो थोड़ा सा और लेट हो जाएंगे। अपने डे ऑफ में जब अपने पापा के साथ वहाँ पे हेल्प कराने जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे वो टेक अवे कैसा है और वहाँ पे क्या क्या बनता है। मैंने जब सुना ना मैंने आपको टेंशन हो गई होगी ना? हाँ बहुत टेंशन हुई थी मुझे तो, जब तू मंगाए राहुल। अरे वो मेरे पास आया, मेरे का चेहरा वैसे ही उतरा हुआ था, मैं समझ गई थी, पहले तो मुझे लगा मजाक कर रहा है मेरे साथ, फिर मैं मेरे को कह रहा नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, बट उसके लगी है भाई उसके ना, वो बता नहीं रहा है हमको। अभी हल्दी वाल दूध का मेहनता मेरे को आपकी याद आ रही थी, परसों भी मेरे को आपकी याद आई जब आप मुझे चाय दे के गए ना सुबह, फिर मैंने सोचा मैं मम्मा मम्मा कर रही थी, फिर मेरे को ना रोना सा आया। माना के पास चल जाती, वो सुबह सुबह गुस्सा करती है, ये क्या वो बोलती है कि काम कर लिया कर कुछ जल्दी उठ के, ये रोज के रोज यहाँ पे बैठ के अपनी पुरानी फोटो वीडियो ढूंढती रहती। खाना खाना है आपको, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। बर्फ ये गर्म होती है मालूम है, वो डब्बा फेंक दे जाओ।
डब्बा फेंक दो मजा आ रहा। हम मजा तो आ रहा, बर्फ ही बर्फ है। मैं लाया था आइसक्रीम, खाया तुमने? हाँ, वो चॉकलेट वाली थी बहन। सो गाइस, अब मैं आ गई अपने रूम पे, अब सोते हैं। आज का व्लॉग बस इतना ही था, मिलूंगी अब आपको अपने डे ऑफ वाले दिन, क्योंकि अब मुझे उस दिन ही टाइम मिलने वाला है व्लॉग बनाने का। बस आज का दिन ऐसे ही था हमारा, अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। ओके, बाय गाइस।